हेलो बच्चों, मुगल पीरियड के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी बाबर के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ले ली थी। अब अगली महत्वपूर्ण जानकारियां हम जिस शासक के बारे में लेंगे वो होंगे बाबर के पुत्र, जिनका नाम होगा हुमायूं। हुमायूं के बारे में बात करने से पहले हमको यह समझना है कि इनके तीन भाई और थे, कौन कौन? कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। इन चार भाइयों के साथ मिलकर जब बाबर मरे तो हुमायूं से कह गए कि आप सारी गद्दी के सारे साम्राज्य को चार भागों में बांट देना। ये मजबूर थे, इन्होंने अपनी गद्दी को चार भागों में बांट दिया। अच्छा, एक गद्दी बड़ी सी होती है, उसको चार भागों में तोड़ दो तो कोई बैठने लायक नहीं बचेगा, टूट जाएगी ना गद्दी। वही हुआ यहाँ पे भी। मुगल एम्पायर जो इतना मजबूत था, उसको जब टुकड़ों में बांटा गया तो कमजोर हो गया। इस कमजोरी का फायदा उठाएगा वो जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा, जैसे शेरशाह सूरी। अब हुमायूं पैदा होते हैं 6 मार्च 1508 को काबुल में। इनका नाम होता है नसरुद्दीन मोहम्मद, निकनेम होता है हुमायूं। इनकी मम्मा जो होती हैं, फादर बाबर है, मम्मा है महाम बेगम, जिसे महामंगा भी बोला जाता है। ठीक, इनका ब्रदर है अस्करी एंड कामरान, जो गुरमुखी बेगम से, और हिंदाल जो है दिलदार अगाची से। बताओ, तीन तीन शादियां एक ही ने कर डाली। चलो कोई बात नहीं, इनको कॉरोनेट किया जाता है 30 दिसंबर 1530 को, बिना किसी अपोजिशन के, कोई अपोज नहीं करता। ये दीन पनाह सिटी दिल्ली में बनाते हैं, है ना। फेस चैलेंज ऑफ टू क्वार्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहला इंटरनल डिबेट इनके कामरान अस्करी और हिंदाल से होता है, एक्सटर्नल बहादुर शाह गुजरात और शेरशाह सूरी बिहार से होता है। हुमायूं पहले मोहम्मद लोदी को दुराहा में 1530 में हराते हैं, फिर बैटल ऑफ चुनार होती है, ना शेरशाह है ना सबमिशन दे देता है, कहता भाई साहब हम हार गए माफ करो। हुमायूं फिर बहादुर शाह को गुजरात में हराते हैं। यहां से हुमायूं को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मुगल सेना बहुत मजबूत है, अगले युद्ध में कहते हैं इसको फिर हराएंगे, और यहीं से बाजी पलट जाती है, क्योंकि यहां का कॉन्फिडेंस शेरशाह सूरी ने जानबूझ के दिया था। ये पौते भाग जाता है, फिर कहता है साफ सरेंडर माफ करो, बट यहां पर वो पहले से युद्ध की तैयारी में बैठा होता है चौसा में, जो नदी के किनारे था गंगा के। फाइनली हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ती है, शेरशाह से कन्नौज में हारते हैं और 1540 में अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। अब यहां होता क्या है, चौसा के युद्ध में शेरशाह की सेना यहां बैठी है, हुमायूं की सेना यहां बैठी है, और ये दोनों फेस ऑफ कर रहे हैं, जैसे डोकलाम में इंडिया और चाइना फेस ऑफ करते हैं, वैसे ही लोग फेस ऑफ कर रहे हैं, बस तोप गदों लेके बैठे। जब मानसून आया या बारिश हो गई, तोप गोले भीग गए, सारी सेना उड़ गई, कह रहे और लड़ते हैं, तो लड़ने का मौका ही नहीं था, तो हुमायूं बिना लड़े हार गए। उसके बाद जब आ रहे थे तो कन्नौज में इनको पूरी तरह हरा के इनको दिल्ली से बाहर कर दिया, और शेरशाह सूरी ने सिंहासन को हथिया। हुमायूं को दो भागों में बांटा जाएगा, 1530-1540, फिर 1555-1556। ना इस 10 साल कुछ कर पाए, ना इस 1 साल कुछ कर। ये जो 11 साल का इनका शासन है, 10 साल में 0 अचीवमेंट, 1 साल में 0 अचीवमेंट, तो अचीव कुछ नहीं कर पाए, बस बादशाह बने। अब इनके एग्जाइल में क्या हुआ, अमरकोट में राणा वरसाल वीर साल के पैलेस में, ठीक है, क्या होगा बताइए? एक महान व्यक्ति पैदा होंगे जिनका नाम होगा अकबर। अकबर किसके बेटे हैं? हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। अब इनकी उम्र में कितना अंतर है, हुमायूं 40 वर्ष के, हमीदा बानो बेगम 14 साल के, ज्यादा अंतर नहीं, छोटा बस अपोजिट डिजिट का अंतर है, वरना एक साल बड़ी होती है हमीदा बानो बेगम। अब यहां पर क्या है, 7 अमाश ईरान के पास जाते हैं, वहां से कहते हैं भाई साहब हमारी मदद करो, तो ये क्या होते हैं, ये शिया होते हैं और मुगल सुन्नी थे, तो ये कहते हैं ठीक है तुम शिया बन जाओ, हम सुन्नी को सपोर्ट नहीं करेंगे। शिया का कहते हैं ठीक है, आसमें शिया सेना लेते हैं, वापस आते, इनकी मदद करते हैं बैरम खान, और ये हमीदा बानो बेगम से शादी करते हैं, मदर ऑफ अकबर है जो आपको बता दिया। उसके बाद ये क्या थे, बहुत बड़े वो थे, क्या नमाजी, 5वें पहर की नमाज अदा करनी थी, और शेरे मंडल, शेरशाह सूरी की लाइब्रेरी थी शेरे मंडल दिल्ली में, वहीं बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, अचानक से नमाज की अजान हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये दौड़े, तेजी से दौड़े और जीने से गिर गए, जीने से गिरते इनका सर फट गया, सर पटने से इनको अत्यधिक रक्त स्त्राव हुआ, हैवी ब्लीडिंग, जब अत्यधिक रक्त स्त्राव हुआ तो उससे वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर कोमा में चले गए। नीम हकीम ने कहा अल्लाह ताला जाने है बचेंगे कि नहीं बचेंगे, फाइनली बचे नहीं, मतलब थोड़ा तड़पे दिमाग से, उसके बाद ही मरे। इन्होंने दीन पनाह सिटी बसाई थी, वो बात है, इनकी पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। अकबर ने इनके लिए हुमायूं का टॉम दिल्ली में बनाया था, जो पहला व्हाइट मार्बल का टॉम है, ठीक है। अबुल फैजल इनको क्या इंसान एक कामिल बोलते हैं, इन्होंने मीना बाजार स्टार्ट किया था, जहां पे इनकी बीवी वगैरह रहेंगी, रॉयल फैमिली यहीं पर बाजार का सामान खरीदेगी। ये बहुत ज्यादा सुपरटिशियस थे, अंधविश्वासी थे, यूज टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और इन्होंने हर दिन के लिए अलग अलग कपड़े बनवा रखे थे, स्पेशली येल्लो ऑन संडे, संडे को पीला पहनते थे,
ब्लैक ऑन सैटरडे एंड व्हाइट ऑन मंडे, तो इन्होंने क्या कलरों के हिसाब से अपनी पोशाकें सिलाई थी, है ना, और इसी विश्वास के साथ ये जीते थे कि इनके जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा। और आप देखिए जितने लोग अंधविश्वास में जीते हैं उनकी जिंदगी में पहले से तूफान आए होते हैं, तो अंधविश्वास से अच्छा अपनी जिंदगी स्वयं जिए, ये मुगल बादशाह बताते हम नहीं बताते, अंधविश्वासी थे कहां गए सीधे जन्नत। तो इसके साथ हुमायूं खत्म होते हैं, हुमायूं का चैप्टर खत्म होता है, और इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है अकबर द ग्रेट। अकबर महान क्यों है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज इस लेक्चर में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।